जिंदा रह गया, वहीं से पहचान लिया। अबे बरेली का मुफ्ती अकेले है, एक ढोक छल के बोला फंसाओ, उसको कहा मालूम कि बरेली को फंसाना कितना मुश्किल काम है। बोला ना ना हम नहीं जाएंगे। बड़ी हिम्मत करके तीन मुस्टंडा निकला, तीन सुपर स्टार, और तीनों इतने बड़े सियाकार थे। पहला जो था, शादी के बाद बीवी का मुंह देखा तो माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया। और दूसरा मुफ्ती यतीमों का माल बिना इजाजत खा जाता। और तीसरा मुफ्ती शादी के बाद भी या शादी के पहले भी खैर औरतों के साथ रहता था। ये तीनों सेहकार आया बरेली के परहेजगार के पास। इस पे तो सुभान अल्लाह कहो, ठेला गाड़ी हमसे मत चलवाओ भाई, ये काम हमसे नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोलिए जोर से, पूरा मजमा बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। बरेली के परहेजगार के पास आने के बाद तीनों ने बैठ जबान ले जा ठोक कर का जबान संभाल कर बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोला। बोला एक सवाल है, जवाब दोगे? बोला मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसीलिए है कि हर सवाल का जवाब दो। इस्तकबाल करो यार इन जुमलों का, सवाल करो। इल्मे गैब था नहीं, इल्मे गैब है तो दलील दो। आजम ने नजरे उठाकर बदअकीदों ने कहा दलील दो। बोला गरी डाइट है मुफ्ती आजम ने सवाल किया, तू बता माँ को धक्का मार के निकाल दिया जाए तो तिल मिला के रह गया, जब तक दूसरे की तरफ उठाए, तू बता जब तक जलाल की नजर तीसरे पे डाली पान की दुकान पे नजर पड़ गई, आला हज़रत चले गए। आला हज़रत का मुरीद था, बोला हुजूर अभी देता हूँ, हाथ धोया पान लगाया होगा या इश्क का ताजमहल बना। आला हजरत ने पकड़ा इसे, दुकान है जाहिरी सहारा, बिक्री उगरी होती नहीं, मिल क्या परेशान हम लोगों के लिए हजरत यही बहुत कठिन बात। उसके पीर साहब पहुंच गए, मगर अल्लाह का शुक्र था, हक है वो हक है, जो हक हक है